ग्वालियर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने घर में हजारों की कीमत की देसी और विदेशी शराब जब्त किए हैं। साथ ही मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने गौसपुरा नंबर 1 के भीमा वाली गली से एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा था। पुलिस ने टीम बनाकर मुखबिर के बताई जगह पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस को देख मौके पर मौजूद युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम देवेंद्र यादव बताते हुए अवैध शराब बिक्री करना कबूल किया, जिसके आधार पर पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि गोसपुरा नंबर 1 बीमा वाली गली में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। तो इस घटना की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी ग्वालियर अपनी टीम के साथ रवाना हुए थे, जिसमें मौके पर से लगभग 88 लीटर देशी प्लस विदेशी दोनों शराब जब्त हुई हैं और इसमें FIR की गई है। ये काफ़ी टाइम से अभी लगभग हमें एक दो दिन पहले सूचना मिली थी, लेकिन लगभग काफ़ी समय से ये वहाँ बेच रहा था। इस तरीके ये अभी इसमें पूछताछ की जा रही है आरोपी से, उसके बाद विस्तृत बात बताई जाएगी। हाँ, रिकॉर्ड वगैरह भी दिखवा रहे हैं, और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कहाँ से लाता था और कितने लोग इसमें शामिल है वो अभी पूछताछ में अग्रिम कार्रवाई होगी।